हाँ जी मेरे से झूठ नहीं बोलते, मेरे तो सन्मुख आ भी नहीं सकते, दुनिया को झूठ बोलते हैं, दुनिया को झूठ बोलते हैं, दुनिया इनको मान मर्तबा देती है, दुनिया को बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, फिर खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। विजय माला इनके अंदर से तैयार होती है, वो ये सिद्ध करती है कि कीचड़ में से ही कमल पैदा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रवृत्ति का मतलब है स्त्री पुरुष साथ साथ रहे, छोड़ के भागने वाली बात नहीं है, ये तो छोड़ के भाग जाते हैं। माता की महिमा करने के बजाय और ही माता की ग्लानी कर देते हैं। माता तो प्रैक्टिकल कर्म करने वाली है, सिर्फ महिमा करने सुनने सुनाने की बात नहीं है। कोई शिक्षा सुनने सुना के दी जाती है, कोई शिक्षा समझने समझा के दी जाती है, परंतु दुनिया सुनने सुनाने समझने समझाने से नहीं मानती, कब मानती है, जब प्रैक्टिकल में कर्म करके कोई दिखावे। इसलिए माताओं के ऊपर कलश दिया जाता है। है दिलवाड़ा मंदिर में आबू रोड के कलेक्टर को जाके समझाना है ये दिलवाड़ा का महत्व क्या है। और मरजीवा का मतलब जीते जी मर जाना, जिंदा रहें, शरीर भी रहे परंतु विकार न रहे, देहभान न रहे, देहभान से जीते जी मर जाना। क्या बोल रहे थोर? जब बीज बोया जाता है
किसी पेड़ या वृक्ष का, तो उसमें से पहले थुर निकलता है, उसको तना कहते हैं। उस तने में से फिर टार टारियां निकलती हैं अलग अलग। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी बड़का झाड़ है, इसमें पहले पहले देवी देवता सनातन धर्म का थोर निकलता है, उसे तना कह दो। वृक्ष का एक तना, उस तने से फिर अलग अलग विधर्मियों की तालियां निकलती हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये तीन ट्यूब से निकलते हैं। फिर उनसे अनेक प्रकार के मठ पंथ रूपी टालियां निकलती रहती है, जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तो जब एक है तो थुर है, वृक्ष का तना है। जब अनेक टालियां निकलती हैं तो उसको तना नहीं कहेंगे, थुर नहीं कहेंगे। जनक की आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया भगवानी द्वारा समझाया था। अष्टावक्र का ऐसे बताया कि आठ पटरानी अपनी वो गिर पड़ी, पट्टे गिर पड़े। आठ पटरानियां आठ धर्मों से कनेक्टेड है ना, तो जिन आठ धर्मों से कनेक्टेड है वो आठ धर्मों में कमजोरी भरी पड़ी है या पावरफुल है? कमजोरी है। जिस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं उस तनधारी से संबंध जुड़ता है उन आठ का, तो कमजोरी पैदा करेंगे या पावर आएगी? क्या करेंगी? शरीर को आठ जगह से तोड़ देती है। पूरे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक कितने मोड़ हैं? अरे गर्दन एक मोड़ है और है कमर दूसरा मोड़ है, घुटने दो है, उसमें तीसरा हो जाएगा कमर दूसरा। हाँ कमर में ही तो है वो दोनों टांगे, वो ही तो कमर मोड़ होती है। उसके बाद दो घुटने, हाँ वो भी हैं, तो कितने हुए? पांच हुए। क्यों? गर्दन दो कोहनियां, हाँ दो कमर, तो कितने हुए? तीन। और ये घुटने हैं, पांव के घुटने बाद में, पहले कमर, कितने हुए? पांच नहीं हो गए, चार हुए, चार। हाँ और दो घुटने, छह, और दो ये पांव के, आठ हो गए। तो आठ जगह से टेढ़ा है, बाप आकर के जोड़ देते हैं। जनक माने बाप, जनक को सब कुछ दे दिया। प्रकृति पति बाप, प्रकृति पति बाप है वो, और प्रकृति माँ, प्रकृति माँ, हम इनके इन दोनों के हम बच्चे हैं, इन दोनों के हम बच्चे हैं। प्रकृति है शरीर, आत्मा है बाप। आत्मा और शरीर दोनों मिले तो बच्चे बने। मेरा बच्चा है, हम बच्चों के प्रकृति पति बाप,
वो प्रकृति पति है। हमारा तो भाव हो गया ना, पांच तत्वों का कंट्रोलर है। वो प्रकृति हमारी माँ है, क्योंकि बाप में डिफेक्ट है। बाप का डिफेक्ट जब पूरा हो तो प्रकृति का डिफेक्ट पूरा होगा। जब माँ बाप दोनों डिफेक्ट से रहित हो जाएं, प्रकृति भी सतो प्रधान बने और बाप भी सतो प्रधान बने, शिव समान बने। मनुष्य सृष्टि का बाप किसके समान बने? शिव समान बने। तब बच्चे भी जो पैदा होंगे सतयुग में, वो तो निरोगी पैदा होंगे या रोगी पैदा होंगे? हाँ, संगम के लास्ट में तुम्हारे योग बल से ये प्रकृति सतो प्रधान बनेगी। मैं प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाता हूँ, मैं तो रास्ता बताता हूँ। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती है तो तुम्हारे संगठित योग बल से प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। एक की ताकत से ये सामूहिक प्रकृति चेंज होने वाली नहीं है। बाबा ने कहा है कि चार चित्रों में पूरी सारी दुनिया कमाई है, चार चित्रों में सारी दुनिया कमाई है। तो बाबा ये चित्र तो चौपर से बनते हैं, नहीं चित्र तो लक्ष्मी नारायण के पहले से ही बने हुए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे ही चित्र बना रहता है लक्ष्मी नारायण का। चित्र तो बहुत पुराने हैं, चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बने। पहले देवताएं चित्रकारी ही करते थे, नाटक खेलते थे, डांस करते थे, वाद्यंत्र बजाते थे, संगीत की हल्की हल्की ध्वनि होती थी। जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े क्लब बनाते हैं, तो फुर्सत पाते ही कहां दौड़ते हैं। आनंद मनाने के लिए क्लबों में जाते हैं, वो तो अल्पकाल के लिए है। क्लबों में भी जाकर के थक जाते हैं तो सोना पड़ता है। हम तो सतयुग में ऐसे अविनाशी क्लब में जावेंगे जहां हमको सोने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। रात दिन मौज ही मौज मनाते रहेंगे, हमारा अविनाशी सुख होगा। आज की दुनिया के तो अल्पकाल के विनाशी सुख हैं। पूछा है जो युगल ज्ञान में चलते हैं
उनमें आपस में झगड़ा होता है, फिर कोई गाली भी देने लग पड़ता है, मारपीट भी करता है, माता की मारपीट करता है, बच्चों की मारपीट करता है, लेकिन ईश्वरीय सेवा भी करने लग पड़ता है। तो उसका पद क्या होगा? बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे, उसका पद विनाश को जावेगा या शरीर छोड़ देगा? विनाश को पाने का मतलब क्या हुआ? शरीर छोड़ेगा या पद का विनाश होगा? है, पद का विनाश हो जाएगा। परिवार में जो सहन करेंगे उनके लिए बोला है, वो सहन कराने के निमित्त बनेंगे, और जो हिंसा करेगा, बाहुबल चलावेगा, क्या बनेगा? सहन करना पड़ेगा। दास दासियों को बहुत सहन करना पड़ता है, दास दासी बन के रहना पड़ेगा। अधिकतर माताएं विधवा क्यों हो जाती है? अधिकतर माताएं विधवा होती है क्या? है, अधिकतर माताएं सधवा होती हैं या अधिकतर माताएं विधवा होती हैं? सधवा ज्यादा होती है। और आने वाले धान भी फोड़ा ले लेंगे, ज्ञान फोड़ा ले लिया, कहा बोला की कहा कि लंबे समय का पोषा काम आ गया, देरी से आने वाले लास्ट। देरी से आने वाले का मतलब ये थोड़े ही है कि यज्ञ के आदि में नहीं आए होंगे, मालूम है आए होंगे कि नहीं आए होंगे? अरे जो देरी से आएंगे उनमें कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं जो यज्ञ के आदि में भी लंबे समय तक रहे हो, छोड़ के चले गए फिर दोबारा आ गए, एडवांस में आ गए फिर शरीर छोड़ दिया हो, फिर लास्ट में आ गए। तो दो जन्मों की ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध है, लेकर के आएंगे या छोड़ करके आएंगे? है, तो फास्ट नहीं जावेंगे? ऐसे तो नहीं कहा कि जो भी लास्ट में आवेंगे सब फास्ट चले जावेंगे। हाँ, ऐसे निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगे जो लास्ट में आवेंगे और फास्ट जावेंगे। बाबा
अब ये आठ बातें जो निकली हैं, उनके उत्तर आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे कुछ अलग अलग समझाए रहे हैं, कुछ क्या समझाते हैं कुछ क्या समझाए रहे हैं। तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। पढ़ाई होती है, तिमाही परीक्षा होती है, छमाही होती है, सालाना परीक्षा होती है, तो प्रश्न पत्र जब आते हैं तो क्या क्लास हाल में टीचर से पूछा जाता है? है? और सब एक जैसा जवाब देते हैं कि सबके अलग अलग जवाब आते हैं? अब देखना है एक्यूरेट जवाब कौन कौन देते हैं। जो एक्यूरेट जवाब देंगे वो पास विदानर होंगे, बाकी नंबर वार होंगे। अब ऐसे तो नहीं है, ये कोई नई बातें आ गई हैं। क्या इन बातों का जवाब पहले नहीं मिला? बाबा ने मुरलियों में इन बातों का जवाब नहीं दिया है क्या? है? सबका जवाब दिया हुआ है। पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है वो तो पढ़ाई के अंदर से ही परीक्षा प्रश्न पत्र आते हैं, बाहर से तो नहीं आ जाते। बाबा, इस संगम युग में देखने में आता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े पदमान मर्तबा वाले हैं वो विकारों में फंसे होने के बावजूद भी उनको धन पदमान मर्तबा सब कुछ मिल रहा है। ये इनका कब का पुरुषार्थ है जो इनको मिल रहा है? अभी सब प्रकार से संपन्न है, आदि का पुरुषार्थ है, मध्य का पुरुषार्थ है, यह संगम युग में अंत समय का पुरुषार्थ है। संगम युग में ही मनुष्य आत्माओं के जन्म जन्मांतर का भाग्य मुट्ठी में बंधता है। भाग्य भी बनता है, दुर्भाग्य भी बनता है। तो जो आज की दुनिया के पदमान मर्तबा लेने वाले हैं, इन्होंने ये सद्भाग्य संगम युग में आदि में प्राप्त किया, मध्य में प्राप्त किया या संगम के अंत में प्राप्त करते हैं? है? 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 हाँ, चाहे वो नेहरू जी की आत्मा हो,
चाहे वो आज के कलेक्टर मिनिस्टर हो, जो भी बड़े बड़े पदमान मर्तबे वाले हैं, उन्होंने अंत की शूटिंग में ये प्राप्ति की है। उस अंत की शूटिंग में हम अलबेले हो गए होंगे, पुराने पुराने अलबेले हो जाते हैं और नए नए जो निकलते हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। वैसे भी बोला है कि झाड़ में जो नए नए पत्ते निकलते हैं बहुत शोभनीक होते हैं, शोभनीक पुरुषार्थ करते हैं, पुराने तो डल हो जाते हैं। झाड़ में डालिए और तने को बराबर देख लेना, पत्ते ही गिरते हैं, झाड़ में पत्ते ही गिरते हैं, टहनियां और ये तो। और टाल टालियां तो धर्म का नाम है, टालियां मठ पंथ का नाम है। तो वेद मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पत्ते कितने हैं? 500-700 करोड़ पत्ते हैं। कौन से पुरुषार्थ से धर्मराज की सजाओं से बच पाना संभव है? क्या करें? जो धर्मराज के सजाओं से बच जाएं। अरे है एक बाप दूसरा न कोई, इतना सहज है है? श्रीमत पर चलेंगे, मनुष्य मत पर और मन मत पर नहीं चलेंगे तो धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे, और श्रीमत पर नहीं चले, मन मत पर चले अथवा मनुष्यों की मत पर चलते रहे तो धर्मराज सजाओं से बच नहीं सकते। जब हम आत्मा ही हैं जो आत्मा शरीर को जीतने वाली है, तो क्या बाबा ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो भोजन करना ही छूट जाए? खाना खाना ही न पड़े। बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी भी अनुभव करते होंगे बहुत कि जिन दिनों अच्छा योग लगता है, अच्छी अवस्था रहती है, उन दिनों भूख प्यास कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है या बढ़ जाती है? कम हो जाती है। देहभान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी भूख भी ज्यादा बढ़ेगी। निजाम सुबह के नाश्ते में केले का पूरा एक लंगर खा जाता था, बड़े बड़े पके हुए केले। तो उसमें देहभान ज्यादा था या कम था? ज्यादा देहभान था। जितना ज्यादा देहभान बढ़ेगा
उतनी जास्ती भूख भी बढ़ेगी। ज्यादा भूख लगेगी तो ज्यादा पानी भी पीना पड़ेगा और ज्यादा नींद भी आएगी। आत्मा को साकार चीजों को देखने के लिए स्थूल प्रकाश की मौजूदगी क्यों आवश्यक है, जबकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है? क्योंकि सूरज अंधेरा होने पर, सूरज छिपने पर आत्मा इन आंखों से देख नहीं पाती है। जबकि आत्मा स्वयं रोशनी स्वरूप है तो क्यों नहीं देख पाती? आत्मा की ऐसी प्रैक्टिस है जो 24 घंटे ज्योति बिंदु ही याद रहे, ऐसी प्रैक्टिस की है नहीं की है तो आत्मा में खुद ही अंधेरा है। जब आत्मा ऐसी रोशनी की पुंज बनेगी कि 24 घंटे आत्मिक स्मृति खत्म ही नहीं होगी, तो अंधेरे में भी देख सकेंगे और दुनिया के उस पार क्या घटित हो रहा है वो भी देख सकेंगे। ये टीवी, ये भौतिक चीज है, की बातें यहां बैठे बैठे देख लेते हैं। तो ये विज्ञान के चमत्कार से योग बल का चमत्कार ज्यादा होगा या कम ताकत वाला होगा? ज्यादा ताकत वाला होगा, परंतु इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा यज्ञ के आदि में तीन विदेशी आत्माएं थी जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया। उनमें दो ने तो शादी कर ली, परंतु जो इस्लाम धर्म का बीज है उसने तो शादी नहीं की। बाल ब्रह्मचारी है, कुमार बताया है, तो फिर वो महाकामी और क्रोधी कैसे साबित हुआ? क्या शादी करने से ही महाकामी क्रोधी होते हैं? है? टीवी देखने से और उपन्यास पढ़ने से कामी क्रोधी नहीं बनते? बाबा ने तो यही बोला है कि जो फिल्म है और जो उपन्यास हैं आज की दुनिया के, वो पढ़ने से आत्मा का सबसे जास्ती हनन होता है।
मेंटलिटी नीचे गिरती है। मनसा से जो भोग भोगा जाता है उससे इंद्रियों में क्षीणता नहीं आती है क्या? कर्मेंद्रियों से कोई भोग भोगे या न भोगे, लेकिन मनसा से स्मरण करता रहता है तो उसकी क्षीणता होती है या नहीं होती है? है? होती है। ये सन्यासियों का मिसाल है। गृहस्थी तो कर्मेंद्रियों से भोग के मुक्त हो जाते हैं, उनकी मनसा मुक्त होती है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 9999 चिंताएं। पलड़ों पर रखी जाए तो कुमार की चिंता भारी पड़ेगी, गृहस्थी की 9999 चिंताएं हल्की हो जाएंगी। तो सन्यासी ज्यादा पतित हुए या गृहस्थी ज्यादा पतित हुए? प्रजापिता वाली आत्मा सबसे पहले परमधाम से आएगी, उसके बाद नंबरवार बच्चों की आत्माएं आएंगी। शरीर तो सबके बर्फ में दब जाएंगे, फिर आत्माएं नंबरवार अपने शरीरों में प्रवेश होंगी। परंतु जिनका शरीर पहले काला था वो शरीर काला ही रहेगा या गोरा हो जाएगा? बाबा ने तो मुरली में बोला सत्युग में सब गोरे होते हैं, वहां काला अफ्रीकन तो कोई भी नहीं होगा, तो ये कैसे होगा? बर्फ का रंग कैसा होता है? है? सफेद होता है। संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? है? लगता है। तो कोई चीज लगातार बर्फ में रखी रहेगी तो उसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा? ऊपर की चमड़ी हटेगी या नहीं हटेगी? हट जाएगी। और शांति। जिनका बहुत मान है, बहुत मर्तबा है,
वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, मुरली में बोला। इस वाक्य का अर्थ क्या है? ये बात बेसिक में ही लागू होती है या एडवांस में भी लागू होती है? है बेसिक में कैसे लागू होती है? है ब्रह्मा कुमारियों में भी मुख्य कौन है? है कुमार का दादी के लिए बोला गया। ऐसे ही एडवांस में कौन है? ब्रह्मा कुमारी, कुमारका का बीज। यहां कोई कुमारका का बीज है या नहीं है? है कौन है? है जो बीज होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या जड़ ज्यादा पावरफुल होगी? बीज ज्यादा पावरफुल है। वो कौन है? माया बेटी ने किससे हाथ मिलाई लिया? जगदम्बा से हाथ मिलाई लिया। इतना मान मर्तव्य वाली है कि जब उसके हाथ में ब्राह्मणों की दुनिया की सत्ता आ जाएगी तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया की पालना कौन करेगी? है जगदम्बा करेगी। तो सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका हुआ? है जगदम्बा का हुआ। लेकिन जो मान मर्तबा देने वाले हैं वो ये जानते हैं कि ये डूबी जा होने वाली है? है जानते हैं? नहीं जानते। क्या नहीं जानते? जगदम्बा से शिष्टाचारी दुनिया ही उत्पन्न होती है या भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है? भ्रष्टाचारी जगत की भी पैदाइश होती है। वो दोनों का बीज है। शिष्टाचारी दुनिया का बीज तब बनती है जब विजयमाला का हेड उसमें संस्कार स्वभाव से मिक्स होकर एक हो जाता है। तब शिष्टाचारी दुनिया का बीज बनती है। बाबा जगदम्बा तो सूर्य चंद्रवंश का बीज है। कुल चंद्रवंश श्रेष्ठ है या सूर्यवंश श्रेष्ठ है? फिर भाई कह रहा था इस्लाम धर्म का बीज है। इस्लाम धर्म का बीज थोड़ी हो। इस्लाम धर्म का बीज भाई के कहने से हो जाएगा? हाँ जगदम्बा का दुर्गा के रूप में पूजा होता है ना? जगदम्बा का दुर्गा के रूप में पूजा तो होता है। दुर्गा आदि का रूप है। दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन है? दुर्गा जगदम्बा। वो दुर्गुण सतयुग के आदि में दूर होते हैं या कलयुग के अंत में दूर होते हैं या बढ़ जाते हैं? है आदि में दूर होते हैं तब दुर्गा है शूटिंग पीरियड में, और जब बढ़ जाते हैं दुर्गुण तब क्या है? महाकाली। सामना करना और लड़ना झगड़ना इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? है क्या अंतर है? सामना करते हैं तो भी लड़ाई झगड़ा सामने आता है, लड़ाई झगड़ा झगड़ते हैं तो भी सामना तो करना ही पड़ता है। दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन ये ध्यान देना है किसका सामना करना है और किसका सामना नहीं करना है, कहां सामना करना है और कहां सहन करना है। इस बात पर मुख्य मदार है। इस जन्म का दिया हुआ इसी जन्म में लौटा दूंगा और 21 जन्मों के लिए इंटरेस्ट में भी दे दूंगा। ऐसी बड़ी बैंक कोई मिलेगी? नहीं। लेकिन आगे प्रश्न है,
इस बात के लिए बाबा ने कहा है कि विनाश के टाइम पर बाबा के भंडारे से बच्चों की पालना होगी। उस विनाश के टाइम पर दुनिया में चीजों की शॉर्टेज पड़ेगी या वृद्धि हो जाएगी? तो महंगाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ऐसी बढ़ी हुई महंगाई के टाइम पर बाबा बच्चों की पालना करेगा। तो अभी का जो दिया हुआ है वो भरपाई होगा या नहीं होगा? है, हो जाएगा। लेकिन प्रश्न है, भंडारा भरने वाले तो बच्चे ही हैं। अरे आदिकाल के बच्चे भंडारा भरने वाले हैं या अंत में जो निकलेंगे लखपति करोड़पति अरबपति वो भंडारा भरने वाले हैं? आदि में अभी भंडारा भरने वाले हैं, लेकिन जो अभी का भंडारा है वो विनाश के टाइम पर काम आएगा? है? नहीं आएगा। अभी तो क्या देते हैं, चावल चपटी देते हैं, कौड़ियां देते हैं, और विनाश के टाइम पर हीरे लेंगे हीरे, जबकि करोड़पतियों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी और उनको खाने के लिए रोटी नहीं नसीब होगी। तब इस भंडारे का प्रभाव का पता चलेगा। जो भंडारा आज भी जगन्नाथ भंडारे में विख्यात है, एक एक कणा दाना का बहुत महत्व होता है। वहां जगन्नाथ भंडारे में जो भंडारा खाने वाले हैं वो एक एक चावल को बड़े प्यार से खा जाते हैं। रोटी का मंदा भी खाया है ना रोटी? बाबा ये तो फूल भंडारा होगा, सब होगा, दोनों तरह का होगा, दोनों तरह का होगा। अरे ये क्या दो दो लाइन में दो दो पेज में कथा लिख के भेजिए? बाबा मुरली में बोला गया क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, वो भी प्योरिटी की बात थी, तो इसमें बेहद की शूटिंग ब्राह्मण परिवार में कैसे होती है? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्राइस्ट के जीवन में जो भी चरित्र हुए वो किससे टैली किए गए हैं? कष्ट के साथ। तो कृष्ण वाली आत्मा जो बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली है, वो कंस का पार्ट है, तामसी स्टेज में, या कृष्ण का सतयुगी पार्ट है? कौन सा पार्ट है? है? कंस का पार्ट कहेंगे। और जो कंस का पार्ट है उसमें ज्यादा पाप बनता है या कम पाप बनता है? ज्यादा पाप बनता है, सौ गुना पाप का बोझ चढ़ता है। तो जिस पर सौ गुना पाप का बोझ चढ़ेगा उसे दंड ऊंचे से ऊंचा बड़े से बड़ा मिलेगा या छोटा दंड मिलेगा? है, बड़े से बड़ा दंड मिलता है। दुनिया में बड़े से बड़ा दंड क्या होता है?
फांसी सूली पे लटकाना, वो तो शरीर को सूली पे लटकाते हैं, और यहाँ यहाँ आत्मा को ऊपर लटकाई देगी। आत्मा कहाँ लटक जाएगी? परमधाम में लटक जाएगी। ये भी एक तरह की सजा हो गई। देह के सुख भोगते हैं तो आत्मा नीचे अनुभव करते हैं या ऊपर अनुभव करते हैं? नीचे अनुभव होती है, और देह के सुखों से कट हो जाता है जीवन, जेल में डाल दिए जाते हैं, तो देह का अनुभव होता है? देह के सुखों का अनुभव होता है? नहीं अनुभव होता। तो सूली पे चढ़ गए माने बेहद की सूली है, आत्मा ऊपर लटक जाए, देहवान के सुखों से महफूज हो जाए, यही सजा है। बाबा ये मुंडी में कहा गया है कि मैं 84 जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, तो जो राम बाप के जो तन में आदि में आया आया, तो वो जन्म जो है 84वां जन्म था, ठीक है, तो उसके बाद जो 76 में प्रवेश हुआ, क्या वो अगला जन्म 85वां आ जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है वो, 21वां जन्म भी है। इसी शरीर से कंचन काया होगी या नहीं होगी? होगी तो 21वां जन्म हुआ या 84वां जन्म हुआ? है कौन सा जन्म हुआ? सर्कल के हिसाब से देखा जाए तो 85वां बन जाएगा। 85वां कहाँ हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बताया। पहला जन्म गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे या निकाल देंगे? तो पहला जन्म है वो। सतयुग में राम और राम संप्रदाय वाली आत्माओं के 9 जन्म हैं और त्रेता में 12 जन्म हैं। टोटल कितने हुए? 21 जन्म। और ब्रह्मा और कृष्ण जैसी आत्माओं के सतयुग में 8 जन्म हैं और त्रेता में 13 जन्म हैं। टोटल 21 जन्म हुए। कोई कोई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, और कभी कहते हैं कि मैं धर्मराज भी हूं, तो क्या ब्रह्मा की सोल इकट्ठे करके नहीं बोलती मुरलियों में? तो वो ये नहीं कह सकती मैं धर्मराज भी हूं, है? कह सकती है। एक मुरली में कहा है कि सतयुग में देवी देवता बुद्ध होते हैं, तो क्या कलयुग के मनुष्य बुद्धू, कलयुग के मनुष्य बुद्धू होते हैं या सतयुग के मनुष्य बुद्धू होते हैं? किस कारण कहा कि सतयुग के देवताएं बुद्धू होते हैं? बुद्धि में ज्ञान होता नहीं है और कलयुगी मनुष्यों की बुद्धि में भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, तो होता है या नहीं होता है? होता है। मुरली में बोला है माया किसी न कुछ रूप में आकर तुम बच्चों को हप कर लेती है, तो क्या बाबा क्लास में सोना भी माया है? माया सुलाए देती है ना, तो कभी कभी 2 को इकट्ठा सुलाए देती है, कभी 3 को, कभी 4 लोग सो जाते हैं, तो बाबा माया कितनी होती है जो सारों को साथ साथ सुलाए देती है? माया तो अपने अंदर की कमजोरी की बात है, माया कोई दूसरी चीज है,
माया माना त्रेसठ जन्मों की अपने अंदर की कमजोरी। कमजोरी सबकी अपनी अपनी अलग अलग, इसका नाम दे दिया है माया, और माया का रूप भी बता दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इनके आगे है सुस्ती। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन पांचों से परे होने लगते हैं ज्ञान के आधार पर, ज्ञान में तीखे होने के कारण माया के ये पांच रूप जिन पर असर नहीं करते, माया उनके ऊपर कौन सा रूप ढाती है, हैं? सुस्ती का रूप लाती है। अगर पापों का बोझा ज्यादा बढ़ गया है तो अगर कोई अज्ञानी मनुष्य बाबा को सरेंडर हुई कन्या को थप्पड़ मार देता है तो उसे गऊ घात कहेंगे या उनका हिसाब किताब बन गया। गऊ घात बहुत बड़ा पाप हो गया, थप्पड़ मारना कोई उतना बड़ा पाप नहीं है। दुनियावी भाषा में गऊ घात कहते हैं जानवर गैया के शरीर को खत्म कर देना, और ज्ञानियों की भाषा में गऊ घात कहते हैं उस कन्या का देह को अपने कंट्रोल में ले लेना और अपने आधार पर चलाना, परमात्मा बाप से बुद्धियों तोड़ देना, वो हुआ गऊ घात। टाइम हो गया।